आज दिल्ली के हर व्यक्ति को हम लोगों ने मुफ्त इलाज कर दिया कि आपका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले दो साल के अंदर, पिछले दो साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़ लड़ के दोबारा, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़ के डॉक्टरों की भर्ती, जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है एमटीएस कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक दिन ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पे कोई नहीं बैठा था, दवाइयों की खिड़की कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की कोई, क्या है? और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का, परिवार का एक इंडिविजुअल, परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली का। अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम, क्या कहते हैं उसको, एक वो लेके जाते हैं, वो वहां पे एक लोकल टर्म है। वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अरे अस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत दूसरा, उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। 20,000, जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है? आज इतना महंगा इलाज हो रहा है वो इलाज करा सकता है? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना? कह रहे हैं आयुष्मान भारत उस पर 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर, दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं, इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको, हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल। फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए, जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसके वो उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारी हमारी केजरीवाल मॉडल अच्छा है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से,
फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली के, दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने।